बात करेंगे। बड़ी खबर की जा रही है शहडोल से, जहां रेत का अवैध परिवहन करते 10 वाहन जब्त हुए हैं। सोहागपुर के श्यामडी खदान से उत्खनन किया जा रहा था, खनन विभाग ने ये कार्रवाई की है। शहडोल में रेत का अवैध परिवहन करते 10 वाहन जब्त हुए हैं। सोहागपुर के श्यामडी खदान से उत्खनन किया जा रहा था, खनन विभाग ने ये कार्रवाई की है। शहडोल में रेत का अवैध परिवहन करते 10 वाहन जब्त हुए हैं। सोहागपुर के श्यामडी खदान से उत्खनन किया जा रहा था, खनिज विभाग ने यह कार्रवाई की है। शहडोल में रेत का अवैध परिवहन करते 10 वाहन जब्त हुए हैं। सोहागपुर के श्यामडी खदान से उत्खनन किया जा रहा था, खनिज विभाग ने यह कार्रवाई की है। शहडोल में रेत का अवैध परिवहन करते 10 वाहन जब्त हुए हैं। सुहागपुर के श्यामडी खदान से उत्खनन किया जा रहा था, खनिज विभाग ने यह कार्रवाई की है। हमारे सहयोगी कमलेश ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। कमलेश, आपसे जानना चाहेंगे, 10 वाहन जब्त हुए हैं रेत का अवैध परिवहन करते हुए, क्या कुछ जानकारी है मामले पर? मैं बताना चाहूंगा कि शहडोल में आए दिन अवैध उत्खनन चल रहा था रेत का, लेकिन आज ऐसा हुआ कि शहडोल सोहागपुर की पुलिस और खनिज अधिकारी मिलके दोनों ने दबिश दी, जिसमें 10 डंपर पकड़े गए हैं, 10 वाहन पकड़े गए हैं और भी कई जो भाग निकले हैं उनको पकड़ा जा रहा है और आगे की जांच चालू है। जी,